एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप ये लॉन सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी टोटल लेंथ बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे सूट की लेंथ है वो है 39.5 इंच, और ऊपर शोल्डर से लेकर यहाँ लेस तक जो हमारी लेंथ है वो है 30 इंच, और यहाँ से लेस से लेकर हमारी पूरे दामन की जो लेंथ है वो है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हमारे टोटल सूट की लेंथ हो गई 39.5 इंच। अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्लीव्स का लेंथ बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे स्लीव्स की लेंथ है वो है 20 इंच, और इस लेस से लेकर हमारे स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 11 इंच, और हमारे लेस से लेकर बॉर्डर तक लेंथ है 9 इंच। अब यहाँ पर मैंने इस कुर्ती को बनाने के लिए 1 मीटर अस्तर का यूज़ किया है, और 1 मीटर मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक का यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली थी 30 इंच, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो हमने 31 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तो तीरे यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ, और शोल्डर भी मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और 2 इंच यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कर लिया है। और ऊपर शोल्डर से 14 इंच पर मैं कमर के लिए निशान लगा रही हूँ, और 21 इंच पर मैं हिप के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर कमर मैं ले रही हूँ 7 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर मार्जिन का ले रही हूँ। और हिप के लिए मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन का ले रही हूँ। और अब यहाँ पर हमें घेरे के लिए भी 9 इंच पर निशान लगा लेना है, और अब इन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सभी निशानों को मिला लिया है। अब इसके बाद हमें वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन के सेंटर में एक निशान लगाना है, और यहाँ से हमें 2 पॉइंट अंदर की तरफ निशान लगा लेना है, और यहाँ से हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। और अब इसके बाद हम यहाँ से हल्की सी फिटिंग की शेप दे देंगे, और बाहर की तरफ से भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए एक कर्व शेप देनी है। और उसके बाद हमें अंदर की तरफ 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस निशान को हमें ऊपर शोल्डर से जोड़ लेना है। और यहाँ से हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाते हुए फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग करने के बाद अब हमें इसी तरह से अपने मेन फैब्रिक को बिछा लेना है, और इसे हमें अस्तर को अपने मेन फैब्रिक पे रखना है, और अब हमें अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम अपना नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर नेक बनाने के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है, जिसकी लंबाई है करीब 10.5 इंच, और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई का निशान मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर लगा रही हूँ, और अब हमें इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। और अब नीचे से हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेना है, और अब यहाँ से हमें इस तरह से गले की शेप देनी है। यहाँ पर हमें अपना नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे 1 इंच की दूरी से। अब हमें अंदर की तरफ से कटिंग करना है।
तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब इसे हमें अपने कपड़े पर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेक को कपड़े पर रेडी कर लिया है और सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है। और अब इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक पे भी सेंटर का निशान लगाते हुए अपने नेक पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमें इसमें कुछ कट्स लगा लेने हैं। और कट लगाने के बाद हमें इसे अंदर की साइड पलट लेना है और पलटने के बाद हमें इसमें एक रफ सिलाई लगानी है नेक पे। तो यहाँ पर मैंने रफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को रेडी कर लिया है और अब हमें इसमें गले पर पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले में पाइपिंग लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने नेक पर कपड़े की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ है 5.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 6.25 इंच। अब इस तरह से हमें इसे नेक पे लगा लेना है और यहाँ पर मैंने इसे पिन से सेट कर लिया है। अब इसे हमें मशीन से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हमें अपने नेक पे कुछ फ्लावर के पैचेस लगाने हैं। तो इस तरह से हमें ये 3 फ्लावर्स लगा लिए हैं। अब इस पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इस पे पर्ल्स लगाए हैं। अब इसके बाद हम अपना सूट का दामन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है करीब 22 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर जो नेट की चौड़ाई है वो है 3.5 इंच और लंबाई भी है इसकी 22 इंच। और यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लेस लिया है जिसे हम अपने दामन पर लगाएंगे। तो कपड़े की सीधी वाली साइड पर हमें लेस की सीधी वाली साइड को रखना है इस तरह से। और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमें कपड़े को अंदर की तरफ पलटना है और इस पर हम एक पट सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर पट सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें अपनी नेट लेनी है और नेट को इस तरह से कपड़े की सीधी वाली साइड पे रखना है और इस पे भी हमें 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद नेट को भी अंदर की तरफ पलटते हुए हमें इस पे पट सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हमें कपड़े की दूसरी पट्टी लेनी है और इसे भी हमें इसे स्टिच कर लेना है साथ में। तो इस तरह से कपड़े की सीधी वाली साइड पे हमें इसे रखना है और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से हम सिलाई लगा लेंगे। और इसे भी हमें अंदर की साइड पलटते हुए हमें इस पे भी पट सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे भी पट सिलाई लगा ली है।
अब इसके बाद हमें आधा इंच इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे वाले दामन की साइड पे लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये लेस ली है जिस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से कपड़े के किनारे किनारे पे हमें इस लेस को रखना है और पूरे में हमें दामन पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा सूट का दामन रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमें अपने सूट की जो सीधी वाली साइड है उस पे हमें अपने दामन की सीधी वाली साइड को रखना है और इसी तरह से हमें हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है और जो बाकी का फैब्रिक है उसे अंदर की साइड पलटते हुए हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पर हमने दामन रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इस तरह से फ्लावर के कुछ पैचेस दामन पे भी लगा लेने हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर भी पूरे सूट में इस तरह से फ्लावर के पैचेस लगा लेने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी फैब्रिक लेस का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये बचा हुआ था तो मैंने इसे यूज़ किया है। अब इसके बाद हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इस पे पर्ल्स भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमें अपना बैक नेक कट करना है। तो यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच पर लगाया है और गले की लंबाई का निशान यहाँ पर मैंने 3 इंच पर लगाया है। और उसके बाद हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमें करीब 1.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इस तरह से हम गले की राउंड शेप देंगे। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग कर लेने के बाद हमें अपने नेक को उरेब पट्टी से बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को बना लिया है। अब उसके बाद हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को उसके ऊपर रखना है और अब हमें इसके शोल्डर्स जॉइंट करने हैं और शोल्डर्स जॉइंट करने के बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें दामन के दोनों साइड्स फोल्ड करने हैं। तो इस तरह से जो 1.5 इंच का हमारा कपड़ा था हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स भी रेडी कर ली है और उसके बाद हमें इसे आर्म होल के साथ जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स जॉइंट कर ली है। यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है और रेडी होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।